और बिल्लाह शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चिश्तिया टीवी की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज से मैं आपको फलों और सब्जियों के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज बताऊंगा और हर वीडियो में एक बीमारी का इलाज बताया जाएगा। आज मैं आपको एनीमिया, खून की कमी का इलाज बताता हूँ। ये मर्ज़ कैसे होता है? ये मर्ज़ दरअसल फलाद यानी आयरन के अंसर की कमी का नतीजा होता है और इसके शिकार बड़ी उम्र के लोग होते हैं। गज़ाइयत की कमी में मुबतला शीरख्वार बच्चे भी होते हैं और आमला ख्वातीन भी होती हैं। हीमोग्लोबिन जो खून में सुर्ख ज़रात की तशील करता है, इसे आयरन का अंसर तैयार करता है। सुर्ख ज़रात फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के तमाम खिलियों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का मैसेज आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आपने करना ये है कि आप ये रोज़ाना एक फल और या एक सब्ज़ी का जूस भी निकाल के पी सकते हैं और इकट्ठा भी पी सकते हैं। मसलन चिकंदर, पालक, सेब, गाजर और मौसमी के जूस आयरन मुहैया करते हैं। आप ये जूस इकट्ठा पी सकते हैं और इन सब को मिक्स करके जूस रोज़ाना एक गिलास पिएं, या फिर आप अलहदा अलहदा एक एक दिन भी पी सकते हैं। मतलब एक दिन चिकंदर का पिए, एक दिन पालक जूस पिए, एक दिन सेब का जूस पिए, इसी तरह एक दिन गाजर का जूस पिए और एक दिन मौसमी का जूस पिए। ये आप पियेंगे तो इंशाल्लाह हफ्ता दो हफ्ते में आप में खून की कमी पूरी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा खून में कमी है तो आप इनको इकट्ठा मिक्स करके भी पी सकते हैं। दोस्तों, अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।